साबित कर रहे हैं, तो कैसा क्या विश करना चाहेंगे आप? देखिए ये सॉन्ग पहले ही सक्सेस इतना हो चुका है, 50 मिलियन व्यूज़ तो आ चुके हैं, और मैं स्पेशल बधाई देना चाहूँगा क्या राकेश कोठारी गुड़िया फिल्म्स को कि इतना प्यार, इतना अमेजिंग सॉन्ग आया है और उसको और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाया जिसने, और आने वाला है वो है डीजे हार्दिक। यहाँ अभी भी सॉन्ग का रिमिक्स आने वाला है, आप ज़रूर सुनिएगा, और बहुत ही अच्छा काम कराया हार्दिक ने, और इसके म्यूज़िक को तो मैं खुद फ़ैन हूँ उस चीज़ का, क्योंकि इंडिया का सबसे यंगेस्ट डीजे और सबसे पॉपुलर डीजे हार्दिक है। और मैं ये विश करूँगा राकेश कोठारी को जो प्रोड्यूसर है इसके, कि थैंक यू सो मच कि इतना प्यारा म्यूज़िक आपकी वजह से आ रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई को हार्दिक को, और बहुत जल्दी आप इस गाने को सुनेंगे। सर इतनी कम एज में टाइम्स ऑफ इंडिया और इतने इंटरनेशनल लेवल पे हार्दिक को अवार्ड्स मिले, तो क्या कहना चाहेंगे इतने टाइम कैसे पढ़ा? कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे आर्टिस्ट देखते होंगे जो कम उम्र में भी ना बहुत ही बड़ा और एक अलग सोच रखते हैं, डिफरेंट सोच रखते हैं, और हार्दिक आप कभी म्यूजिक सुनेंगे, मैं कभी भी नाइट को किसी शो में अगर जाता हूँ तो मैं सिर्फ मुंबई में सिर्फ मैं हार्दिक की नाइट को मैंने अटेंड किया है, हर जगह सुपर म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, माइंड, और इतनी कम उम्र में इतनी तेज़ दिमाग चलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं जानबूझ के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बयां कर रहा हूँ हार्दिक के बारे में, और इतना नाम भी हो चुका है, इतनी कम उम्र में इतने शोज, इतना क्रिएटिव काम, इतना अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और अब आता हूँ क्या मेन बात पर, खाली ये भी सारी मेन बात थी, आप सबके लिए ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मेरा और हार्दिक का गाना आने वाला है बहुत जल्दी, जिसको लिखा और कंपोज किया है, गाया है मैंने, और म्यूजिक दिया है हार्दिक ने। बहुत जल्दी आप इस गाने को सुनेंगे, गाने का नाम है चल थोड़ा कर ले मज़ा, और जितने भी यहाँ पर मीडिया हैं आप हर चीज़ को बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं और अच्छी तरीके से पेश करते हैं, आप सबका सपोर्ट भी चाहिए होगा, प्यार भी चाहिए होगा हम दोनों को, तो बहुत जल्दी हमारा गाना सुनेंगे। ओके। तो मेरा सबसे पहला एल्बम आया था तन्हा, उसके बाद आया अभी चन्मा ही, इसमें 6 मिलियन व्यूज़ है, आप सबकी वजह से वो गाना सुपर हिट गया, और उसके बाद मैंने फिर गाया गुम है किसी के प्यार में, जो अभी आप शो देख रहे हैं स्टार प्लस पे, छोटी सरदार नहीं, उसके लिए मैंने गाना गाया, और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं मेरे, और मेन मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है डीजे हार्दिक के साथ, क्योंकि बहुत क्रिएटिव म्यूज़िक और बहुत नया आपको सुनने को मिलेगा, और मुझे आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश है, जो ऑडियंस भी यहाँ पर खड़े लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सब लोग गाने को बड़ा बनाते हैं, आप लोग मीडिया वाले बड़ा बनाते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू सपोर्ट, एंड मेरे भाई को हमेशा आप सपोर्ट करें इस गाने को ज़रूर, थैंक यू सो मच। तो कैन वी गो नाउ? थैंक यू। स्पेसिफिकली डीजे हार्दिक के लिए ही यहाँ आए हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके नए सॉन्ग के लिए, हमेशा से गाने उनके अप्रिशिएट हुए हैं, मैंने खुद ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया है, आज उन्हीं के लिए यहाँ आना उनके सॉन्ग लॉन्च के लिए, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद हिम हियर एंड सपोर्ट हिम एज अ फ्रेंड। I think soon we are coming with a
a new song, yeah. Right? Channawe. So yeah, today we are going to announce that. And it's also very like, you know, wedding kind of music. Ah, it's party yeah. music. Yeah. Yeah. Everyone is gonna miss out. We're gonna have a nice variation of this R&B song, and then this romantic number, this wedding. Habibi and DJ Hardik will again kill. Hardik, you tell me, yeah.